नमस्ते प्यारे दोस्तों, बॉन्डिंग विद टेस्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और नारियल की सूखी सब्जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये सूखी सब्जी कैसे झटपट बन जाते हैं देख लेते हैं। पहले आलूओं को अच्छे से उबाल लेंगे। स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले चार मज़ेदार बॉयल पोटैटो रेसिपीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप अगर और भी मज़ेदार आलूओं के रेसिपीज चाहते हैं तो मेरे चैनल बॉन्डिंग विद टेस्ट पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देखना मत भूलिए। इसी तरह के मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज के लिए मेरे चैनल बॉन्डिंग विद टेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरी नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन सही समय पे आपके पास पहुंच जाए। पहले प्याज को काट लेंगे। अभी उबले हुए आलूओं के छिलके अच्छे से उतार लेंगे। अभी आलूओं को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उबालते वक्त ध्यान रखिए, आपको ऐसा उबालना है कि काटने के समय आलू टूट ना जाए। लीजिए, हमारे सब आलू तैयार हो गए हैं। अभी कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल डाल देंगे और 1/4 कप मूंगफली अच्छे से उस तेल में फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हुए 5 से 7 मिनट तक मूंगफली को फ्राई करेंगे और अलग जगह पे निकाल लेंगे। अभी उसी तेल में 1 टीस्पून सरसों के दाने ऐड करेंगे, फिर कुछ करी पत्ते ऐड करेंगे और सूखी हुई लाल मिर्च स्वाद अनुसार डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे सबको। फ्लेम को मीडियम रखते हुए आपको ये प्रोसेस करना है। अभी इसमें प्याज ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे आलूओं को। अभी आलू के साथ प्याज को और एक बार अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें चुटकी भर हल्दी डालेंगे। और ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी कसा हुआ नारियल ऊपर से ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आपके पास अगर ताजी नारियल नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अभी इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ मूंगफली। अभी सब्जी को निकाल लेंगे कटोरी में। तैयार हो गए हमारे आलू नारियल की सूखी सब्जी। ये सब्जी आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। सूखी होने की वजह से ट्रैवलिंग में भी आप इसे लेके कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए कोई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।